तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। सीतापुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक और साइकिल सवारों को रौंदा। बता दें कि हादसे में छात्र की मौके पर मौत। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है संभल से। बता दें कि जामा मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया गया है। जामा मस्जिद में हरी मंदिर होने का दावा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की संभल से। बता दें आपको, वकील विष्णु शंकर जैन ने पेश किया था दावा, जिस मामले में जिला कोर्ट में दावा पेश किया गया था और साथ ही स्वीकृति मिल गई है सर्वे होने की। तो संभल से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जामा मस्जिद में सर्वे का आदेश दे दिया गया है। तो जामा मस्जिद में हरी मंदिर होने का दावा किया गया था। विष्णु शंकर जैन ने इसको लेकर दावा पेश किया था, जिस मामले में सर्वे करने के आदेश दे दिए गए हैं। वकील विष्णु शंकर जैन ने यह दावा पेश किया था कि हरी मंदिर है जामा मस्जिद में, जिसके बाद कोर्ट में याचिका डाली गई थी। और आप बता दें कि जिला कोर्ट में ये दावा पेश किया गया था, आदेश भी दे दिया गया है सर्वे होने का। संभल से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि जामा मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया गया है। तो विष्णु शंकर जैन की तरफ से दावा पेश किया गया था और जामा मस्जिद में हरी मंदिर होने का दावा किया गया था। वकील हमारे साथ में एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर सर। जी नमस्कार। देखिए, आपकी तरफ से दावा पेश किया गया है यहाँ पर हरी मंदिर के होने का, उसके बाद आदेश भी दे दिया गया है सर्वे को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पहला ही कदम है इस तरफ? ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट कदम है और महत्वपूर्ण कदम है। सारे लोग जानते हैं कि यहाँ पे हरिहर मंदिर हुआ करता था और 1529 में बाबर ने जगह को पार्टली डिमोलिश करके जामा मस्जिद के रूप में उपयोग करने का कोशिश किया। और इसीलिए यहाँ पे ये बिलीव किया जाता है कि 10 अवतार में से जो आखिरी अवतार होने, कल की अवतार, वो इसी जगह पे होने जहाँ पे हरिहर मंदिर बनाया गया था। और उसको गलत ढंग से बाबर ने 1529 में तोड़ा। इसका जिक्र भी बाबर नामा में मिलता है। और आज इसी बात को लेकर आज हमने माननीय न्यायालय के समक्ष सिविल सूट फाइल किया था, जिसे एक दीवानी दावा कहते हैं। और उसके बाद आज माननीय सिविल जज सीनियर डिविजन संभल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज इसमें आदेश जारी किया है और एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया है और उनसे कहा है कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। तो ये सर्वे कब तक होने की उम्मीद हम जताएं जैन साहब? अब देखिए, ये तो एडवोकेट कमिश्नर और प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है। कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में हमने प्रशासन को और एडवोकेट कमिश्नर को कोर्ट के ऑर्डर की जो सूचना है वो अवगत करा दी है। अब आगे देखते हैं कि कैसे आगे कमीशन बढ़ता। अब क्योंकि देखिए, इस तरह के हम लगातार कई मामले देख रहे हैं, चाहे ज्ञानवापी का मामला हो या फिर यहाँ पर मथुरा का मामला हो और अब ये जामा मस्जिद का मामला है। अब क्योंकि यहाँ पे सर्वे को लेकर आदेश दे दिया गया है, क्या विपक्ष की तरफ से किसी तरह की कोई यहाँ पर अड़चन लगाई जा सकती है सर्वे से पहले? ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, ये ऑप्शन है? देखिए, ये तो मैं उनकी तरफ से, वो क्या ऑप्शंस एक्सरसाइज करेंगे ये तो उनके वकील साहब उनको बेटर गाइड कर पाएंगे। जो मेरे पुख्ता प्रमाण है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात इसमें, जी बोलिए, बात पूरी कीजिए, जो गौर करने वाली है कि आईने अकबरी में और साथ ही साथ जो अकबर बाबर नामा है उसमें भी ये बात लिखी हुई है कि यहाँ पे मंदिर था हरिहर मंदिर और उसको तोड़ा गया। लेकिन जैन साहब एक बात और, क्योंकि देखिए ये कई बार सुनने को भी मिलता है और ये कहा भी जाता है लोगों की तरफ से कि हर जगह मस्जिद में मंदिर ढूंढना बंद कीजिए, ये बात आपने सुनी होगी। अब क्योंकि जामा मस्जिद का यहाँ पे कह रहे हैं कि मंदिर में मस्जिद ढूंढना बंद करिए, जहाँ मंदिर हुआ करता है उसको मस्जिद के रूप में उपयोग करना बंद करें। लेकिन क्या यहाँ पे जो एक्ट की बात की जाती है कि 1992 के आसपास का जो वो एक्ट है उसके अगर हम अंडर हम देखें तो क्या ये ठीक होगा, ये आगे प्रोसीडिंग इस पर होगी? बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो संभल का ये डिस्प्यूटेड एरिया जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, ये ASI प्रोटेक्टेड एरिया है। आप जान के हैरान हो जाएंगी और मेरे को ऑन रिकॉर्ड में आपके चैनल पे कह रहा हूँ, ASI भी यहाँ पे अभी नहीं जा पा रही है। ASI को भी बाहर कर दिया गया। तो ASI प्रोटेक्टेड अगर कोई एरिया होता है, नोटिफाइड होता है, इसका सीरियल नंबर 250 है ASI के नोटिफिकेशन में, तब वहाँ पे जिस एक्ट का भी आप जिक्र कर रही है, पूजा स्थल अधिनियम एक्ट 1991, वो वहाँ पे लागू ही नहीं होता है। ये एक्ट में ही लिखा हुआ है सेक्शन 4(3) में। ठीक है, अब जब एक्ट ही लागू नहीं होता है तो फिर उसकी एक्ट की बात ही नहीं आती।
बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप देखें तो ये जो केस है आगे किस तरफ किस दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पहली जीत तो आपकी तरफ हुई है, ये तो दिख रहा है। नहीं, ये केस जीत की बात नहीं है, ये तो एक लीगल प्रोसेस है। और जो वहाँ पे मंदिर के प्रमाण है, प्रूफ है, जो वहाँ पे इतिहास में जातियां हुई हैं, किस तरह से हरिहर मंदिर को बर्बरता पूर्ण तरीके से तोड़ा गया है, ये सारी बातें उसका जो साक्ष्य उठाने का काम है वो हम लोग करेंगे। अगर मैं यहाँ पर प्रमाण की बात करूं, क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि अकबरनामा जो है उसमें भी देखने को मिला है, लेकिन क्या जामा मस्जिद में अंदर इस तरह की कोई भी आकृति है या कोई भी इस तरह का प्रमाण है कि यहाँ पर मंदिर था? तो, अगर हम इन फिरकापरस्ती बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है, हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है वो खत्म हो रहा है, जबकि खुद कुछ दिनों पहले आरएसएस के चीफ जनाब मोहन भागवत साहब ने खुद अपने एक बयान में कहा था, एक जगह तकरीर करते हुए बात कही थी और कहा था कि खुद अपने लोगों को, नौजवानों को, सब लोगों को समझाते हुए बात कही थी कि हर मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे आप लोग मूर्तियां तलाश मत करिए। मगर इसके बावजूद भी लोग मान नहीं रहे, जगह 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 मस्जिदों में मुकदमा डाल रहे हैं। यह हौसला उस वक्त मिला जब बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का और वहाँ फैसला लिया गया कि राम मंदिर तामीर किया जाएगा। मुसलमानों ने पहले से कहा था कि हम कानून मानेंगे, कानून जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा उसको हम मानेंगे, और मुसलमानों ने साबित करके दिखा भी दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे किसी ने कुछ भी नहीं कहा और न कुछ कोई उस संविधान पीठ में कोई अपील करने के लिए गया। रजवी साहब, यहाँ पर अभी हमारे साथ में वकील विष्णु शंकर जैन जी भी जुड़े थे जिन्होंने कोर्ट में ये दावा पेश किया है और उनका ये कहना है कि हम तो ये कहते हैं कि हर मंदिर में मस्जिद ढूंढना बंद कीजिए। नहीं, ये तो देखिए जो भी तारीखी एतबार से ये कह रहे हैं कि फला मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, फला मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, ये सब दावा सरासर झूठ है। उन्होंने अकबरनामा का भी जिक्र किया है कि उसमें भी मेंशन है और पहले हुआ यही है कि डिमोलिश करके मंदिरों को बड़ी बड़ी मस्जिदें बना दी गई हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में, क्योंकि अब ये कोर्ट में केस चल रहा है तो सर्वे होगा तब इसमें सामने आएगा कि आखिर क्या हकीकत है। क्या इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं नहीं, हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अकबरी नामा हो या जहांगीरी नामा हो या तुज़के मुर्तज़वी हो या आईने अकबरी हो, ये जिन जिन किताबों का हवाला दे रहे हैं ये फारसी में किताबें लिखी हुई हैं और इसका जो फारसी में असल नुस्खा है वो सब लाइब्रेरियों में मौजूद है। इसको ये लोग पढ़ भी नहीं सकते, उर्दू नहीं पढ़ सकते तो फारसी क्या पढ़ेंगे? तो रजवी जी, आप क्योंकि कह रहे हैं कि किसी भी मंदिर को डिमोलिश करके इस मस्जिद को नहीं बनाया गया है, तो सर्वे अगर हो भी जाता है तो ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि ये गलत साबित करने के लिए ठीक होगा? कितना सर्वे कराएंगे? देश में इस वक्त 8 मस्जिदों का सर्वे चल रहा है, कितना सर्वे कराएंगे? क्या विकास का, डेवलपमेंट का, तरक्की का, हिंदुस्तान को आगे ले जाने का यही तरीका है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हिंदुस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं और यहाँ पर देश में जितने भी फिरका पर ताकतें हैं वो देश को नीचे ले जाना चाहती हैं, तो क्या ऐसे ही हिंदुस्तान की तरक्की होगी? यहाँ के लोग इसी सर्वे में उलझे रहेंगे? इनके पास तरक्की के, विकास के, डेवलपमेंट के, रोजी रोजगार के और कोई काम नहीं है? इसी तरीके से जहन जो है डाइवर्ट किया जाता रहेगा, लोगों को फिरका परस्ती में सब प्रताप चीजों में जो है वो उलझा के रखा जाएगा। कितना सर्वे होगा? भुजशाला का जो है वहाँ मध्य प्रदेश में सर्वे हो रहा है और बनारस में सर्वे हो रहा है, श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक में सर्वे हो रहा है और यहाँ पर मथुरा में सर्वे हो रहा है। नहीं देखिए रजवी साहब, देखिए अगर हम बनारस के मंदिर की बात करें, मथुरा के मंदिर की बात करें, बड़े बड़े मंदिर है, लड़ाई है जो कि बहुत वर्षों से चली हुई आ रही है, और अगर आप यहाँ पर अयोध्या की नजीर उठाकर हम देखें तो जन्मभूमि रही है, सभी के सेंटिमेंट्स जुड़े रहते हैं और इस बात को भी आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि जो इतिहास में हुआ है कहीं ना कहीं जो हिंदुओं के मंदिर रहे हैं उन्हें डिमोलिश करके मस्जिद बनाए गए हैं, कोई धार्मिक बनाई गई है, तो इस वजह से शायद हो सकता है कि इस तरह की जो आज स्थिति है वो बनी हुई है। लेकिन अब क्योंकि जामा मस्जिद की हम बात कर रहे हैं, इसके सर्वे के आदेश की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ये सवाल पूछा, कि सर्वे के बाद
हकीकत सामने आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपकी हर इमारत पर, हर धार्मिक इमारत पर सवाल उठाया जाएगा। कम से कम ये तो नहीं होगा कि आगे लोगों को समझ में आएगा कि भाई एक एग्जाम्पल मिल गया है, हर इमारत पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। अगर पलट करके जिस तरह सर्वे की बात आप कह रही हैं और जिस तरीके से हिंदू पक्ष जो संगठन है, सत्तापरस्त संगठन, ये मस्जिदों की और दरगाहों के सर्वे की बात कर रहे हैं, अगर पलट करके मुसलमान मंदिरों की सर्वे की बात करने लगे तो फिर कैसा आपको लगेगा, किस तरीके से महसूस करेंगे आप? तो पूरे भारत में कहीं भी किसी मुसलमान ने किसी मंदिर के ताल्लुक से कोई एक एप्लीकेशन भी कहीं नहीं दी है, और न कभी कोई मुसलमान एतराज करता है किसी मंदिर पर। और न जाने कितने बुद्धिस्ट लोगों से पूछिए, बुद्धिस्ट लोगों के बयान दीजिए, उनके लाखों मंदिरों को। नहीं रिजवी साहब, देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं कि किसी भी मुस्लिम ने अपनी तरफ से इस तरह की कोई पिटीशन नहीं डाली है, अगर आप डाल सकते हैं तो डाल दीजिए। ऐसा तो नहीं है कि सामने आपके सामने अपोजिशन में कोई खड़ा नहीं होगा या फिर वो जो केस है वो खारिज हो जाएगा, लड़ा नहीं जाएगा। अगर आपको लगता है वाकई में कि वहां दावा करने की जरूरत है तो क्या कोई रोक सकता है? रिजवी साहब, करने की बात नहीं करते हम, फिर का परस्त की बात नहीं करते हम, भाईचारे को तोड़ने की बात नहीं करते हम, जनगंगा जमनी तहजीब की नहीं। देखिए आप मेरी बात सुनिए, आप नाराज मत होइए रिजवी साहब, मेरी बात ये सुनिए कि देखिए कोई भी धार्मिक स्थल किसका है किसका नहीं है इस पर ऐसे ही बातों से हक नहीं जताया जा सकता है। जाहिर है कि जो चीज आपकी है वो आपकी रहेगी, जो चीज हिंदुओं की है वो हिंदुओं की रहेगी, लेकिन अगर इतिहास में कोई चीज दफन है, वो निकाली जा रही है, उसकी खुदाई हो रही है, उस पर किसका हक है किसका नहीं है, ये तो देखिए कोर्ट का मामला है, कोर्ट में चलता है। एक बात और यहाँ पर वकील जो हमारे साथ में जुड़े थे विष्णु शंकर जैन, उन्होंने कही कि एएसआई प्रोटेक्टेड एरिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर एएसआई कोई आने की अनुमति नहीं है, यहां पर नहीं आ सकते हैं वो लोग। आपने नाराजगी की जो बात की, मैंने इस बात से कही, आपने कहा कि आप भी डाल सकते हैं, ठीक है, तो हमने कभी नहीं डाला। एक मुझे मिसाल दिखा दीजिए कि कभी किसी मुसलमान ने किसी मंदिर के पास। चलिए ठीक है रिजवी साहब, मैं समझ में आ गया हमको आप, बिल्कुल, और आपकी बात यहाँ पर सीधा यही है कि इस तरह से हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढिए। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। इसके साथ ही विनोद बंसल जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वीएचपी नेता, स्वागत है आपका बंसल जी न्यूज स्टेट पर। जी अभी देखिए हमारे साथ में यहाँ पर शाहबुद्दीन रजवी भी जुड़े थे, मौलाना मुस्लिम धर्म गुरु हैं, थोड़ी देर पहले हमारे साथ में वकील विष्णु शंकर जैन भी जुड़े थे, और दोनों की तरफ से हमने बातें सुनी है। जामा मस्जिद जहाँ पर सर्वे का आदेश दिया गया है, यहाँ पर हरे मंदिर होने का दावा किया गया था, आप इसको कैसे देखते हैं? दो बात है, एक तो जो मौलाना है उनको कृपया धर्मगुरु न बोले, उनका धर्म से कोई संबंध नहीं है, वो मौलाना को मौलाना ही रहने से ज्यादा बेटर है। दूसरी बात ये कि देखिए जो जो जहां तक सवाल है, वो देखिए ये भारत जो है ना सत्य के अन्वेषण में सतत रूप से सक्रिय रहा है, मेरे उसको ठीक किया है। अगर मानो विष्णु शंकर जैन है और मंदिर हो सकता है, मंदिर वही भाग सकता है जो कि वास्तव में जिसके मन में चोर है, अगर मेरे मन में चोर नहीं है तो मैं क्यों उसके इन्वेस्टिगेशन से भागूंगा? मैं तो स्वागत करूंगा, ठीक है आपको जांचना है ना, आइए देखिए, और अगर गलत है तो हम ठीक करेंगे, इसका स्वागत करना चाहिए। मैं साधुवाद देता हूँ विष्णु शंकर जैन जी को भी, और साथ में वो लोगों को भी, कम से कम दर्शाने के लिए एक वीडियो उठाया है, और मुझे तो इस बारे में जी इसमें बेहद मंदिर मस्जिद नहीं है बात।